हाय गाइस, टुडेज रेसिपी इज थालीपीठ एंड चवळी उसळ। ये बहुत ही हेल्दी डिश है, महाराष्ट्रीयन डिश है। आप इसको गुड़ या फिर दही के साथ भी खा सकते हो। बट बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल क्रेविंग्स। थालीपीठ का आटा बनाने के लिए सामग्री: बाजरा 2 कप, ज्वार 2 कप, उड़द दाल आधा कप, चना दाल आधा कप, चावल 1 कप, गेहूं 1 कप, धनिया के बीज या धनिया पाउडर 1/4 कप। अब एक कढ़ाई में बाजरा लीजिए और इसे अच्छे से भूनिए 5 से 8 मिनट तक मध्यम आंच पे, और इसी प्रकार से बाकी के भी अनाज भून लीजिए। जब यह सब ठंडा हो जाए तो हमें मिक्स करना है इसे, और इसका आटा पीसना है। इसे अच्छे से पीस लीजिए। थालीपीठ के लिए सामग्री: पानी, तेल, उबला हुआ मैश किया हुआ आलू 1.5 कप, थालीपीठ का आटा 3 कप, हरी मिर्च 6 से 8, लहसुन की कलियां 12 से 15, अदरक 2 इंच, धनिया 1/2 कप, नमक, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, बारीक कटा हुआ प्याज 1 कप। अब हम एक पेस्ट बनाएंगे लहसुन की कलियां, हरी मिर्च और अदरक की। और ये देखिए, पेस्ट हो गई हमारी रेडी। आटा गूंदने के लिए हमें लगेगा थालीपीठ का आटा, पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया, तेल 1 बड़ा चम्मच। इसे अच्छे से मिलाएं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू और कटा हुआ प्याज। इसका हमें आटा गूंद लेना है, ये देखिए इस तरीके से। अधिक पारंपरिक तरीके के लिए मैंने यहाँ गीले कपड़े का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल या फिर बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, पहले 2 चम्मच पानी डालिए कपड़े पे, उसके बाद आटे का गोला लीजिए और ऐसे हल्के हाथ से थपथपाएं, फिर उसमें 3 से 4 छेद करिए, फिर तवा गरम कीजिए और उसमें 1 चम्मच तेल डालिए, और हल्के हाथों से हमें कपड़े को ऐसे उठाना है और ये देखिए ऐसे डालना है। और हमारा थालीपीठ बिल्कुल नहीं टूटा, क्योंकि कपड़ा हमारा काफ़ी गीला था तो ठीक से निकल चुका है थालीपीठ। अब इसे हमने ढक के रखा है और 3 से 4 मिनट तक पकाया है। हमें इसे सुनहरा होने तक पकाना है, और पोटैटो मैशर से भी आप इसे प्रेस कर सकते हो। इससे हमारे क्रिस्पी बनेंगे थालीपीठ, और इसी प्रकार से बाकी के भी थालीपीठ बनाइए। चौली की सब्जी बनाने के लिए 1 कप चौली भिगाइए रात भर गुनगुने पानी में। अब उसे 7 घंटे बाद उसका पानी निकाल लीजिए और कुकर में डालिए। उसके बाद हम उसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 ग्लास पानी, नमक स्वाद अनुसार और तेल 1 चम्मच। इसे हम कम से कम 2 सीटी तक पकाना है हमें धीमी आंच पे। चौली की सब्जी बनाने के लिए हम लेंगे तेल, पकी हुई चौली, राई 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, कटा हुआ प्याज 1 कप, टमाटर 1/2 कप, कांदा लहसुन मसाला 1 बड़ा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, गोड़ा मसाला 1 छोटा चम्मच, नमक, धनिया। अब एक कढ़ाई गरम कीजिए, उसमें 3 चम्मच तेल डालिए, चुटकी भर हींग डालिए, राई, जीरा। अब बारीक कटा हुआ प्याज डालिए, इसे अच्छे से भूनिए 2 मिनट तक।
उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, उसके बाद हम सब मसाले डालेंगे, कांदा लहसुन मसाला, गोड़ा मसाला, गरम मसाला, इसे अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चौली, हमें इसे 5 से 8 मिनट तक धीमी आंच पे पकाना है, ये देखिए। उसके बाद नमक डाला है मैंने स्वाद अनुसार और धनिया, इसे मैं 2 मिनट तक पकाऊंगी। सर्व कीजिए गर्मा गर्म चौली की सब्जी। सर्व कीजिए थाली पे चौली की सब्जी गुड़ दही के साथ।